तो राम मंदिर आंदोलन में अग्रणी रही उमा भारती और साध्वी रितंबरा भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुई थी। दोनों एक दूसरे को देखकर ही गले से लिपट गईं, भावुक हो गईं। दोनों की आंखों से आंसू छलक गए। बेहद भावुक कर देने वाला पल दोनों के लिए, क्योंकि कई वर्षों का ये इंतजार था जो इंतजार खत्म हुआ। लड़ाइयां लड़ी गई, कई कार सेवकों ने बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी यहां तक पहुंचने में, यातनाएं झेली कई लोगों ने, बहुत परिश्रम किया इस दिन को देखने के लिए। और वो परिश्रम, वो बलिदान उमा भारती और साध्वी रितंबरा जी की आंखों में हमें नजर आया जब दोनों मिली और यूं लिपट कर किस तरीके से भावुक हुई, भावनाओं का ज्वार उभरा और आंखों से आंसू छलक पड़े। दोनों एक दूसरे से गले लगकर बेहद भावुक नजर आए। दोनों की आंखों में आंसू थे और ये खुशी के आंसू हम कहेंगे। रामलला आज आए हैं अयोध्या, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। 500 सालों का ये इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। हर एक सनातनी को इस दिन का इंतजार था कि कब रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। उमा भारती और साध्वी रितंबरा जी राम मंदिर आंदोलन में ये दोनों ही अग्रणी थी। भगवा ध्वज हाथ में धारण किए उन्होंने सनातन की पताका लहराई। विश्वास था कि एक दिन रामलला जरूर आएंगे और वो दिन आ ही गया। और इस दिन काफी भावुक और ये आंसू खुशी के आंसू।